हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 सम नंबर 1 ए। ए में क्या करने का है? कंप्लीट द टेबल। जो टेबल नीचे दिया है उसमें ब्लैंक है, उसमें हमें कंप्लीट करने का है। जो फर्स्ट है इसमें डिवाइड के 1, 2 और 3 है। पार्ट फर्स्ट पार्ट है वो दिया हुआ है और सेकंड और थर्ड पार्ट हमें कंप्लीट करने का है। ठीक है, तो सबसे पहले है 70 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 7 70, तो क्वोटेंट में आएगा 7 और रिमाइंडर में आएगा 0। ऐसे ही है 700 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे क्या करने का है, 10 7 70, लेकिन एक 0 बचेगा। तो हम नीचे लेंगे तो ऊपर क्वोटेंट में भी 0 रखने का है, तो क्वोटेंट में आएगा 70 और रिमाइंडर में आएगा 0। फिर है 7000, तो यहाँ पे 7000 तो 10 है, तो 10 7 70, बाकी 2 0 है वो भी ऊपर क्वोटेंट, नीचे एक के बाद एक नीचे लेंगे, एक वन आफ्टर वन, तो 2 0 नीचे आएंगे तो वो 2 0 क्वोटेंट में जाएंगे। ये डिवाइड का रूल है कि 0 जब नीचे आता है तो वो 0 क्वोटेंट में भी रखने का है। तो यहाँ पे क्वोटेंट में आएगा 700 एंड रिमाइंडर 0। ऐसे ये 70000 डिवाइडेड बाय 10, इसमें ये ऐसा ही रूल लागू होता है कि 10 7 70 और बाकी के जो 2 0 है वो कहाँ पे जाएगा, क्वोटेंट में, तो यहाँ हो जाएगा 7000, तो और 0 रिमाइंडर। तो ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर बी, इसमें क्या है, डिवाइड एंड राइट द क्वोटेंट एंड रिमाइंडर। डिवाइड करो और क्वोटेंट और रिमाइंडर लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, 700 डिवाइडेड बाय 10। देखो कैसे हुआ है, आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि 10 7 70 ऊपर से आया 0, तो ऊपर क्वोटेंट में गया 0। तो क्वोटेंट इक्वल 70 एंड रिमाइंडर इक्वल 0। ये हो गया सम नंबर बी का 1 कंप्लीट। अब आएगा 2। 2 में है 400 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ भी वही होगा कि 10 4 40, बाकी 0 लेफ्ट बच गया है, तो वो नीचे आएगा तो क्वोटेंट में भी 0 जाएगा, तो क्वोटेंट इक्वल 40, रिमाइंडर इक्वल 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी का 1 एंड 2 सम कंप्लीट। अब करेंगे सम नंबर 3। तो इसमें है 580 डिवाइडेड बाय 10। देखो तो यहाँ पे क्या करने का है, सबसे पहले 10 5 50, 58 में से 50 जाएगा तो 8 बचेगा, ऊपर से आया 0 तो 8 का हो गया 80। तो 10 8 80, तो 80 के नीचे 80 में से 80 जाएगा तो बचेगा 0। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 58 क्वोटेंट एंड 0 रिमाइंडर। अब आया क्वेश्चन नंबर सम नंबर 4, 650 डिवाइडेड बाय 10। देखो लास्ट में जो 0 है और 10 है तो रिमाइंडर में तो 0 ही आएगा, लेकिन ये 650 है तो सबसे पहले 650 डिवाइडेड बाय 10 है, तो 10 6 60, तो 65 में से 60 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। तो ऊपर से हम 0 बाकी वो लेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, तो फिर 10 5 50, तो 50 में से 50 माइनस होगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0। तो क्वोटेंट में है 65 एंड रिमाइंडर है 0। ये हो गया एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर बी का 1 2 3 4। अब हम करेंगे 5। 5 में क्या है, 415 डिवाइडेड बाय 10। देखो यहाँ पे लास्ट में 5 है तो 0 रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे हम करते हैं जैसे मैंने करके दिखाया है। देखो
41 को ध्यान में रखने का है, तो 10 फोर सा 40, 41 में से 40 माइनस होगा तो 1 बचेगा, ऊपर से आया 5 तो 1 का हो गया 15, तो 10 वन सा 10, क्योंकि 10 टू सा तो 20 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 वन सा 10, तो 15 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो क्वार्टेंट है 41 एंड रिमाइंडर है 5। अब आए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तो 1273 और 1273 डिवाइडेड बाय 10, देखो यहाँ पे 4 डिजिट हो गए हैं और हमें 10 से डिवाइड करने का है, तो सबसे पहले हम 12 को ध्यान में रख के 10 का टेबल बोलेंगे, तो 10 वन ज़ा 10, 12 में से 10 माइनस हो गया तो क्या आ गया 2, तो 2 का ऊपर से 7 लिया तो 2 का 27 हो गया, तो 10 टू ज़ा 20, 27 में से 20 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 7, तो ऊपर से आया 3 तो 73 हो गया, तो 10 7 ज़ा 73, तो ये हो गया सम नंबर, और बाकी है 73 में से 70 जाएगा तो क्या बचेगा रिमाइंडर 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 127 और 127 क्वार्टेंट और रिमाइंडर है 3, तो ये हो गया 126 तक कंप्लीट क्वेश्चन नंबर बी का। अब आए 7, तो 7 में क्या है 5620, तो यहाँ पे देखो लास्ट में 0 है तो रिमाइंडर भी 10 से हमें डिवाइड करना है तो रिमाइंडर भी 0 ही आएगा, और सबसे पहले हम करेंगे 5 है वो कम है 10 ज़्यादा है, तो 2 डिजिट को ध्यान में रख के हमें डिवाइड स्टार्ट करने का है, तो 2 डिजिट कौन से 56, तो 10 फाइव सा 50, 56 में से 50 माइनस आएगा तो 6 रिमाइंड होगा, 6 लेफ्ट होगा तो 6 बचेगा तो ऊपर से आया 2, तो 6 का क्या हो गया 62, तो 10 6 सा 60, 62 में से 60 जाएगा तो 2 बचेगा तो ऊपर से आया 0, तो 2 का क्या हो गया 20, तो 10 2 सा 20, तो 20 में से 20 माइनस होगा तो क्या बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा, तो आंसर आया 562 क्वार्टेंट एंड 0 रिमाइंडर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड सम नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर बी का लास्ट सम है 8, ठीक है, तो यहाँ पे है 300 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 थ्री ज़ा 30, 30 लिया और ऊपर से आया 2 0, तो 2 0 हाँ 3000 है, 3000 डिवाइडेड बाय 10, तो 2 0 जो बच गए वो 2 0 ऊपर रख देने का है तो क्या आंसर आया 300 क्वार्टेंट एंड रिमाइंडर 0, देखो 3000 डिवाइडेड बाय 10 है ना, तो 10 थ्री सा 30, तो एक 0 तो चला गया लेकिन 2 0 बाकी है, तो 2 0 का दोनों 0 क्वार्टेंट में आएंगे और आएगा 300 क्वार्टेंट आएगा 300 रिमाइंडर आएगा 0। अब नंबर सी, तो 400 डिवाइडेड बाय 100, देखो तो 100 फोर सा 400, तो यहाँ पे क्या है डायरेक्ट 4 है वो क्वार्टेंट और 0 0 0, तो क्वार्टेंट क्या हुआ 4 और रिमाइंडर 0, ऐसे ही 800 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 8 सा 800 हो गया, तो क्वार्टेंट में क्या आएगा 8 एंड रिमाइंडर में क्या होगा 0, क्योंकि 800 में से 8 जाएगा 800 तो कुछ नहीं बचेगा तो 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी का नंबर 1 एंड 2
एंड आगे हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो तब तक के लिए आपको ये सब होमवर्क की नोट में और मैथ्स की नोट में लिखने का है। थैंक यू।